बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। बिना मेरे कुछ कहे हुए भी कई बार पंजाब पैकेज और पंजाब करार का उल्लेख किया जाता है। मेरे लिए इसे अस्वीकार करना कठिन हो गया, क्योंकि जब अखबारों में इसकी चर्चा हुई तब हम उस पर कोई विचार नहीं कर रहे थे, परंतु जब अब दो मुख्यमंत्री यहाँ आ गए हैं तो इस बात की अटकल हमेशा लगाई जा सकती है कि पैकेज आ गया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि चूंकि अब पंजाब में स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए पंजाब संबंधी शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करने का समय आ गया है। हमने इस दिशा में कुछ प्रारंभिक काम शुरू कर दिए हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इस बारे में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि जैसा कि गुजराल जी जानते हैं, इस विषय पर हम काफ़ी समय से विचार कर रहे हैं और बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम कितने चुपचाप यह काम करते हैं, और हम कुछ प्रयास शुरू कर रहे हैं। इसके सिवाय मैं कुछ और नहीं कह सकता, क्योंकि मैं स्वयं भी इस बारे में आश्वस्त नहीं हूँ कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह कल सफल होगा या स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। ऐसे मामले में हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इस बीच पंजाब में सभी विकास कार्य चल रहे हैं। पंजाब में सामान्य गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां पुनः चालू हो गई हैं। हमने यथासंभव धन की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है, ताकि आतंकवादियों के हिंसात्मक कार्यों के फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में जो कुछ ध्वस्त हो गया था उसे पुनः बनाकर रास्ते पर लाया जाए। मेरे विचार में यह बात कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शांति में स्थायित्व आता है, लोगों के मूड में स्थायित्व आता है। दिवाली और अन्य सभी त्यौहार यहाँ शांतिपूर्वक बीत गए हैं और निचले स्तर के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, तो इन बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम यह सोचकर गफलत में नहीं पड़ गए हैं कि सब कुछ ठीक है। अब हम निश्चित रूप से इस प्रश्न पर विचार शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप प्रश्न पर विचार करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि तत्काल उसका हल न मिले, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा उसका हल खोजना पड़ेगा। पेरा, कश्मीर की स्थिति बहुत मुखर सुखद नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, परंतु हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना है, न केवल इसे नियंत्रण में लाने के लिए बल्कि लोकतंत्री प्रक्रिया के अंतर्गत लाने के लिए भी। हम भारत के किसी भी भाग को लोकतंत्र से वंचित नहीं रख सकते। यह हमारी सबसे निचली रेखा है और हम इसी पर काम कर रहे हैं। शायद अगले कुछ दिनों में हम एक नए ढांचे के बारे में विचार करेंगे। हम एक नया प्रयास करेंगे जिससे एक नई तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ किया है उससे हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां शायद यह अपेक्षा की जाती है कि ढांचे में परिवर्तन किया जाए, या अब यह जरूरी हो गया है। उसी बात को लेकर हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।